तेरा दुस्साहस, जिसने देवराज इंद्र के सभा को भंग करने का प्रयत्न किया। कौन है वो स्वयं जिसने मुझे देवराज इंद्र को चुनौती दी है? इंद्र, मैं आ गया हूं तुम्हारे समक्ष। साहस है तो मेरे युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। ये विकट यहाँ इस पाषाण रूप में कैसे, और इसका कोई आकार क्यों नहीं है? जिस तरह पाषाण का स्वयं का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार विकट का भी कोई आकार, कोई काया नहीं थी। इसी कारण वो इस रूप में यहाँ स्थित है। देव, इस मंदिर में मैं किस रूप में स्थापित हूँ? ये गुहिया देवी शक्तिपीठ है। इतना अहंकार मिट्टी के शरीर का, मूर्ख, क्षण भर भी नहीं लगेगा तेरे शरीर और शरीर के बल को नष्ट होने में। मूर्ख ऋषि, तू मुझे नष्ट करेगा? मुझे नष्ट करने वाला ना तो कभी जन्म लिया है और ना कभी जन्म लेगा। इतना अहंकार, शारीरिक बल और यौवन ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से, अभी से तेरे शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तू तो जीवित रहेगा परंतु तेरा शरीर नहीं रहेगा, और जब शरीर नहीं होगा तो कैसी शक्ति, कैसा बल? जा और आजीवन चौक बना इस कृत्य का। तुम ब्रह्मदेव की उपासना करो, तपस्या करो उनकी, उन्हें प्रसन्न करके और मनचाहा वर मांगो। गुरुदेव, अगर अपना शरीर और बल प्राप्त करने का यही एक उपाय है तो ठीक है, मैं कठिन से कठिन तप करने को तत्पर हूं। ज्ञान के युद्ध में कोई तुम्हें ललकारेगा तो उसकी सारी बुद्धि उसी क्षण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और वो स्वयं बुद्धिहीन हो जाएगा। हाहाहाहाहा